Now, a very very good morning, a very very good morning, my dear students. How are you? How are you, dear students? Fine. Okay. Now see, a visit to granny. In last period, na we have completed our lesson. Okay. Now today we will see our exercise. Today we will see our exercise. Understand? So now see, देखो फिर क्या बोला है एक्सरसाइज में हम लोगों को. क्या बोला है? सी कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. अभी ये एक्सरसाइज देखने से पहले एक बार मैं लेसन रीड करती हूँ, आप लोग अच्छे से सुनो एंड देन आप लोगों को भी रीडिंग आना चाहिए. सो मैं कौन से वर्ड को क्या बोल रही हूँ आप लोगों को अच्छे से सुनना है. अंडरस्टैंड? सो पेज नंबर निकालो आप लोग 37. अ विजिट टू ग्रैनी. अ विजिट टू ग्रैनी. ओके. नाउ सी, जोया एंड मम्मी आर गोइंग टू विजिट ग्रैनी. जोया एंड मम्मी आर गोइंग टू विजिट ग्रैनी. ग्रैनी लव्स फ्रूट्स. मम्मी वॉन्ट्स टू बाय फ्रूट्स फॉर ग्रैनी. जोया गोज टू द फ्रूट शॉप विथ मम्मा. ओके. ऑन द वे they see many other shops. On the way they see many other shops. Some sell toys, some sell books, some sell clothes. Okay. The next, they reach the fruit shop. They reached the fruit shop. It is a big shop. It is a big shop. The shop has lots of fruits. There are red apples in the shop. There are yellow mangoes in the shop. There are green melons and purple grapes too. Okay. Then next, क्या बोला है? There are brown chikus. There are brown chikus and oranges. There are brown chikus and oranges. There are bunches of yellow bananas too. There are bunches of yellow bananas too. Okay. They buy, Zoya and Mummy buy lots of fruits. Zoya and Mummy buy lots of fruits. Okay. They buy a melon, mangoes and some grapes. They buy melon, mangoes and some grapes. Okay. They also buy oranges and bananas. They also buy oranges and bananas. Okay, the shopkeeper takes a basket. He puts the melon and mangoes on one side. He puts the melon and mangoes on one side. Okay, then he puts the bananas on the other side. He puts the oranges and grapes on top. He fruits the oranges and grapes on top. The fruit basket looks lovely. The fruit basket looks lovely. Okay, mummy gives money to the shopkeeper. Mummy ne shopkeeper ko money diye, means paise diye. Okay, he and takes the basket. Zoya and mummy walk away. Zoya and mummy walk away. Zoya said, Granny will be so happy to get the fruit basket. Okay. And mummy said, we too will feel happy. हम भी बहुत happy होंगे. देखो फिर हम लोगों को ये lesson में क्या बताया है. Zoya और उसकी mummy जो है वो fruit खरीदती है, उनके granny को मिलने जा रहे हैं वो, और granny जो है वो granny को फ्रूट्स बहुत पसंद है. सो दैट मम्मी और जोया फ्रूट्स खरीदने के लिए जा रहे हैं ग्रैनी के साथ. ग्रैनी के लिए मम्मी के साथ जोया जा रही है. ओके. देन नाउ व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स,
कि भाई वो फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट शॉप्स हैं, फ्रूट शॉप्स नहीं, बहुत सारे अदर शॉप्स उनको रास्ते में लगे, और उसी के साथ साथ लास्ट में वो फ्रूट शॉप पे पहुँचे। वो जो फ्रूट शॉप था वो बहुत बड़ा था, इट इज़ अ बिग शॉप। फिर वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसमें से जोया ने और उसकी मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे भी। खरीदने के बाद में शॉपकीपर ने एक बास्केट लिया, वो बास्केट को अच्छे से फ्रूट्स उसमें रख के दिए उनको, अच्छे से लवली बास्केट दिख रही थी वो। फिर मम्मी ने बास्केट को उठाई और उन्हें पैसे दिए, हाँ, शॉपकीपर को। एंड देन वो दोनों जन जोया और मम्मी अपने अपने घर जा रहे हैं, उधर से वो ग्रैनी को मिलने जाएंगे। ओके, देन क्या होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो घर जाते जाते मम्मी और जोया बातें करते हैं रास्ते में, जोया मम्मी को बोलती है कि मम्मी हमारी ग्रैनी कितनी खुश हो जाएगी इतने सारे फ्रूट्स देखेगी तो, है ना। मम्मी बोलती है यस, ग्रैनी अगर खुश हुई तो हम लोग भी खुश होंगे, हम दोनों भी बहुत खुश होंगे। ओके, नाउ अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या बोला है हम लोगों को, सी, वेट वन मिनट, हाँ हाँ, नाउ सी फर्स्ट क्या बोला है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, हमें जो सेंटेंसेस दिए हैं वो कंप्लीट करना है। ओके, सो सी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस इज ग्रैनी लव्स डैश, ग्रैनी लव्स डैश। सो ग्रैनी को क्या पसंद है माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रैनी लव्स फ्रूट्स। क्या पसंद है ग्रैनी को, फ्रूट्स, ग्रैनी लव्स फ्रूट्स। देन सेकेंड सेंटेंस इज जोया गोज टू द फ्रूट शॉप विथ, जोया गोज टू द फ्रूट शॉप, जोया गोज टू द फ्रूट शॉप विथ, किसके साथ गई जोया फ्रूट शॉप में, किसके साथ गई, विथ मम्मा, किसके साथ गई जोया, मम्मी के साथ गई ना। जोया किसके साथ फ्रूट्स खरीदने गई फ्रूट शॉप में, उसके मम्मी के साथ, उसके मम्मी के साथ। ओके, देन नाउ थर्ड देखो क्या बोला है, द शॉप, क्या बोला है थर्ड, द शॉप हैज मेनी डैश। फिर वो शॉप्स में क्या थे, मेनी फ्रूट्स, क्या थे शॉप में, फ्रूट शॉप में गए तो वहाँ ऑब्वियसली क्या होना है, जब हम लोग फल की दुकान में जाते हैं, फ्रूट की शॉप में जाते हैं, तो फ्रूट शॉप में जाने के बाद वहाँ हम लोगों को कपड़े मिलेंगे क्या, नहीं, हम लोगों को क्या मिलेगा, फ्रूट्स ही मिलेंगे ना वहाँ। सो द शॉप हैज मेनी फ्रूट्स, द शॉप हैज मेनी फ्रूट्स, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, द शॉपकीपर पुट्स द फ्रूट इन अ, शॉपकीपर ने फ्रूट कहाँ रखे, फिर कहाँ रखे शॉपकीपर ने फ्रूट, इन अ बास्केट। ये फोर्थ का जो है मैं ओनली यहाँ आंसर लिख रही हूँ। ओके, सो बास्केट है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, बास्केट। ओके, नाउ सी फोर्थ वाली जो हमारी है, फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द सेंटेंसेस जो बोला है हमें एक्सरसाइज ए में, वो क्या है देखो, फिर द शॉपकीपर पुट्स द फ्रूट इन अ बास्केट, ये यहाँ मैंने राइट किया बास्केट। ओके, नाउ ऑल सेंटेंसेस आवर कंप्लीट, हाँ वी हैव कंप्लीट। नाउ सी एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी में हम लोगों को क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स, स्पेल में देखो, फिर एक्सरसाइज बी में हम लोगों को क्या बोला है, सी राइट वन वर्ड आंसर्स, राइट वन वर्ड आंसर्स, हमें वन वर्ड आंसर राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है Who wants to buy fruits for granny? So क्या आएगा इसका answer? First question क्या है हमारा? Who wants to buy fruits for
ग्रैनी। फिर किसको लग रहा था कि ग्रैनी के लिए फ्रूट्स खरीदना चाहिए हम लोगों ने, किसको लग रहा था ऐसे? हु वॉन्ट्स टू बाय फ्रूट्स फॉर ग्रैनी? मम्मी वॉन्ट्स। किसको लग रहा था? मम्मी को। सो मम्मी, वन वर्ड आंसर लिखना है ना, सो फर्स्ट का आंसर है मम्मी। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कलर आर द चीकूज? क्या है सेकेंड? व्हाट कलर आर द चीकूज? फिर चीकू का कलर क्या है? चीकूज कलर, व्हाट कलर आर द चीकूज? कौन सा है चीकू का कलर? टेल मी। ब्राउन। कौन सा है? ब्राउन। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कलर आर द मिलन्स? व्हाट कलर आर द मिलन्स? व्हाट कलर आर द मिलन्स? मिलन्स मीन्स क्या? मिलन्स मीन्स क्या? तरबूज का कलर। तरबूज कौन से कलर का था फिर? ग्रीन। कौन सा कलर है तरबूज का? ग्रीन। व्हाट कलर आर द मिलन्स? ग्रीन। कौन सा कलर है फिर? ग्रीन कलर है। एंड देन फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है व्हाट डज मम्मी गिव टू द शॉपकीपर? व्हाट डज मम्मी गिव टू द शॉपकीपर? मम्मी शॉपकीपर को क्या दे रही है? सो क्या दे रही है मम्मी शॉपकीपर को? क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ मैं, ओनली आंसर राइट कर रही हूँ, मनी। मम्मी ने क्या दिया शॉपकीपर को? मनी मीन्स पैसे। क्या दिए मम्मी ने? मनी, MONEY, मनी। ओके, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है भाई? फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मम्मी गिव टू द शॉपकीपर? सो मनी। क्या आएगा फिर? मनी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? सो एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नाउ एक्सरसाइज सी में देखो हम लोगों को क्या बोला है। ओके, एक्सरसाइज सी देखेंगे फिर हमारा टाइम ओवर हो रहा है। सो एक्सरसाइज डी जो है वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम लोग। हाँ, अंडरस्टैंड? ओनली एक्सरसाइज सी वी विल सी। एक्सरसाइज सी में हमें बोला है रीअरेंज द लेटर्स टू नेम दिस फ्रूट्स। ये फ्रूट्स की जो नेम्स हैं इन्हें हमें राइट करना है और रीअरेंज करना है। जो वर्ड्स हम लोगों को दिए गए हैं वो वर्ड्स हमें रीअरेंज करना है। ओके, नाउ सी, फर्स्ट क्या दिया है देखो, फिर आप लोगों को पिक्चर भी दिए गए हैं और वो वर्ड्स भी दिए गए हैं, लेकिन वो वर्ड्स हमें रीअरेंज करना है। कैसे करना है? हमें जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, उसे रीअरेंज करके वन फ्रूट का नेम हम लोगों को राइट करना है। ओके, सो आप लोगों को पिक्चर दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पिक्चर देख के आप लोग कर पाओगे। हाँ, सो फर्स्ट क्या दिया है देखो, फिर फर्स्ट है ग्रेप्स। सो ग्रेप्स का मैं स्पेलिंग लिखती हूँ डायरेक्ट। हाँ, वो रीअरेंज वाले जंबल वर्ड्स नहीं लिखती हूँ मैं, ओनली आंसर लिख रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान दो। ठीक है, सो फर्स्ट है ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। अभी ये जो ग्रेप्स का स्पेलिंग है इसे जंबल्ड कर दिया है, मीन्स ये जो वर्ड्स है, ये जो लेटर्स है ग्रेप्स के, वो आगे पीछे दिए हैं, लेकिन पिक्चर दिया है इसीलिए हम लोग फट से समझ जाओगे आप लोग, है ना। सो सेकंड देखो, फिर सेकंड पिक्चर क्या है? बनाना। सो BANANA, बनाना। देन थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया है फिर? एप्पल, APPLE, एप्पल। देन फोर्थ क्या है? फोर्थ देखो, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ओके, एंड लास्ट नहीं, फिफ्थ वाला दिया है हमें यहाँ। फिफ्थ वाला क्या दिया है फिर? मिलन, MELON, मिलन, ME, आपको दिख रहा नहीं क्या इधर से? सो फिफ्थ वाला यहाँ लिखती है MELON, मिलन। हाँ, एंड लास्ट वाला जो है वो है
मैंगो। क्या है वो? मैंगो। सो एम ए एन जी ओ मैंगो। सिक्स्थ वाला है मैंगो। अंडरस्टैंड? ओके। सो ये जो रीअरेंज किए हम लोगों ने वर्ड्स, ये रीअरेंज करके आप लोगों को लिखना है। अभी नाउ सी, हाँ अभी आप लोगों का होमवर्क क्या है, लास्ट पीरियड में हम लोगों ने ओनली लेसन देखा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करना है इसके और लेसन को रीड करना है ना। अभी आज आपका इंग्लिश का होमवर्क है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देखे वो क्वेश्चन और उसके आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, और उसी के साथ साथ ये रीअरेंज वाले भी वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखना है। लर्न करके लिखो, अच्छे से बोल के लिखो, हाँ। सो अच्छे से करोगे तो आपका लर्न अच्छे से होगा, है ना। सो आज का आपका होमवर्क क्या है, कल का जो था वो कल ओनली रीडिंग का होमवर्क था आपको। देखो लेसन हुआ उस दिन आपको ओनली रीडिंग और हार्ड वर्ड्स लर्न करना, यही होमवर्क है। ओके और नाउ टुडे आपका होमवर्क है क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोगों ने देखे वो राइट करना है आपको, एंड देन ये जो है रीअरेंज वाले वर्ड्स ये आपको नोटबुक में राइट करना है। ओके नाउ वी स्टॉप हियर, आवर टाइम इज ओवर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।